सेंधवा ग्रामीण थाना पुलिस और इंदौर नारकोटिक्स विभाग की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्यवाही की। टीम ने यहां से अवैध गांजे की तस्करी करते हुए एक मिनी ट्रक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रक की तलाशी लेने पर इसमें से करीब 700 किलो गांजा मिला, जिसकी बाजार में कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों से अवैध गांजे के संबंध में पूछताछ कर रही है। जानकारी अनुसार नारकोटिक्स विभाग को सूचना मिली थी कि बड़वानी के सेंधवा में अवैध गांजे की तस्करी जोरों पर है। मुखबिर कर सूचना पर शनिवार को टीम ने ग्रामीण थाना पुलिस के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर जामली टोल टैक्स के पास एक मिनी ट्रक को घेराबंदी कर रोका। टीम ने मिनी ट्रक की तलाशी ली तो इसमें से अलग अलग पार्टीशन में छुपा रखे गांजे के 21 बोरे मिले। वजन करने पर करीब 700 किलो गांजा मिला। पुलिस के अनुसार गांजे की अवैध तस्करी कर रहे आरोपी परवेज पिता नन्हे खान निवासी बालसमुद खरगोन, फरीद पिता जब्बार खान निवासी बालसमुद खरगोन और साहिब स्वाइन निवासी उड़ीसा को गिरफ्तार कर माल सहित मिनी ट्रक को जब्त कर लिया गया है। गांजे का बाजार मूल्य करीब 35 लाख रुपए है। आरोपियों से अवैध तस्करी के बारे में जानकारी निकाली जा रही है।